नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप लगातार अपनी ऑनलाइन कक्षा संचालन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति भी आपको आ रही होगी जहां पर आप अपने चैट बॉक्स को डिसेबल करना चाह रहे हैं। वो कैसे करना है इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना वेबएक्स जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको स्केड्यूल, ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको स्केड्यूल, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको टच करेंगे आपके सामने स्केड्यूलिंग ऑप्शन सारे दिख जाएंगे। तो जैसे नॉर्मली आप अपना मीटिंग सेट करते हैं, अपना डिटेल्स डालते हैं मीटिंग का, उदाहरण के तौर पर फिज़िक्स का है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लास 10 डाल दिया, ठीक है, और टॉपिक जो भी है मैंने भर दिया। उसके बाद ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर हमेशा अपनी क्लास में कुछ पासवर्ड ज़रूर सेट करें। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पर कुछ पासवर्ड जो है लगा देता हूँ, ऐसा पासवर्ड मैंने लगा दिया है। इसके बाद फिर मैं अपना टाइम सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि होना चाहिए +5:30, क्योंकि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये रहा UTC +5:30, और मैंने अपना क्लास का टाइमिंग भी यहाँ पर सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से। और जैसे ही मैं सेट करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मुझे नीचे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। अब यहीं पर है वो पूरा सेटिंग्स जहां आपको अपना चैट डिसेबल करना है। तो जैसे ही आप शो एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे दिख जाएंगे स्केड्यूलिंग ऑप्शंस, ठीक है। आपको स्केड्यूलिंग ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपको एडिट मीटिंग ऑप्शंस, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे आपको फिर से टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि सेलेक्ट ऑप्शन दैट यू वॉन्ट पार्टिसिपेंट्स टू हैव इन मीटिंग बिगिन्स। यहाँ पर आप चैट को डिसेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको चैट में कुछ भी टेक्स्ट नहीं मिलेंगे और आपस में पार्टिसिपेंट्स भी कुछ अपने आप को या दूसरों से चैट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसेबल करने का मेथड है। यहाँ पर आप चैट डिसेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नोट चाह रहे हैं तो नोट्स रख सकते हैं या उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इतना करके आप स्केड्यूल पर क्लिक करें और जैसा आप पहले क्लास ले रहे थे उसी प्रकार से अपनी क्लास का संचालन अब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।